नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बात कार्यक्रम में हम बात करेंगे 30 जून 2018 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर। जो दोस्त हमारे साथ पहली बार इस शो का हिस्सा बने, सभी से अनुरोध है सब्सक्राइब के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, जिससे आप नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों 30 जून 2018 का करंट अफेयर। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और, जिन दोस्तों को मुफ्त पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर प्राप्त कर लें। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, लापता बच्चों की खोज और पहचान के लिए कॉमर्शियल मिनिस्टर और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रीयूनिट, रीमिशन, रीडिस्कवर्ड या रीयूनियन? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रीयूनिट। रीयूनिट एक इस तरह का ऐप है जो कि iOS या एप्पल का जो मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते हैं, एप्पल प्ले स्टोर पर भी मिल सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है उन पर भी ऐप रीयूनिट मिलेगा। दोस्तों इसमें आप जो प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक या माता पिता या कोई भी बच्चा जो गुम हो गया हो या किसी के माँ बाप गुम हो गए हों, पुलिस की रिपोर्ट हो, वो सभी चीज़ें इस ऐप के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों पाकिस्तान के पहले नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? यूसुफ सलीम, जुबैर शाबिर, जुबैर खान या यूसुफ आलम? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है यूसुफ सलीम। देखिए, लाहौर के यूसुफ सलीम ने पाकिस्तान में नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे 21 न्यायाधीश जिन्होंने की 26 जून 2018 को शपथ ली उनमें से एक हैं। दोस्तों अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव बनाया? चीन, नेपाल, ईरान या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, पिछले महीने ही ईरान ने जो परमाणु समझौता था, अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ा है और उसके बाद ईरान के खिलाफ लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने पर यूनाइटेड स्टेट्स लगा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है जिसमें 5 सदस्य मुख्य रूप से हैं, उन पर दबाव बनाया कि ईरान पर और ज़्यादा बैन लगाए जाए। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट या NIA कितना अनुदान सहायता प्रदान किया गया है? 2200 करोड़, 1300 करोड़, 5000 करोड़? लेकिन दोस्तों सही जवाब है 1040 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट को 1040 करोड़ के अनुदान देने के योगदान के लिए मंजूरी दी है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक बी श्रीराम को किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा या देना बैंक? दोस्तों इसका सही जवाब है IDBI बैंक। IDBI बैंक जो कि एक बीमारू, सबसे ज़्यादा बीमारू बैंकों में से कहा जाता है और दोस्तों अभी इस समय चर्चा में बना हुआ है कि 51% शेयर इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हो रहे हैं और भविष्य में इसका अधिग्रहण भी LIC के द्वारा किया जा सकता है। चीन ने भारत के निम्न आयातों में किस पर शून्य शुल्क कटौती की घोषणा की है? तो दोस्तों चीन लगातार ट्रेड वार इस समय दुनिया में जग जाहिर है और जारी है। इसी बीच दोस्तों चीन ने घोषणा किया कि भारत और 4 अन्य एशियाई प्रशांत देशों से सोयाबीन जो टैरिफ लगाता है या आयात शुल्क लगाता है उसको वो कम करने का, जबकि भारत से सोयाबीन के आयात में शून्य तक के शुल्क कटौती की घोषणा की है। अगला है दोस्तों, पुतिन और ट्रंप का जो शिखर सम्मेलन है वो किस देश में होगा? तो दोस्तों सिंगापुर नहीं चुना, सऊदी अरब नहीं चुना, जापान नहीं चुना, और पुतिन और ट्रंप शिखर जो सम्मेलन होगा दोस्तों वो फिनलैंड में होगा। इससे पहले किम के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता सिंगापुर में भी आयोजित हो चुकी है, लेकिन इस समय दोस्तों पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपने देशों में शिखर वार्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि इस स्थिति जो है वो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रही है। विश्व बैंक ने रोहिंगा को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देगा? देखिए, म्यांमार से विस्थापित रोहिंगा जिनको बांग्लादेश ने लगभग 7 लाख रोहिंगा मुसलमानों को सहायता दी और उनके लिए भरण पोषण के लिए विश्व बैंक ने अभी
490 की सहायता नहीं दी, 500 की डॉलर की सहायता नहीं दी, मिलियन डॉलर की सहायता नहीं दी। जो सही जवाब है दोस्तों वो है 480 डॉलर, 480 मिलियन डॉलर की सहायता की है। इसके अलावा भारत में भी लगभग 40,000 से ज़्यादा रोहिंगा शरणार्थी हैं। आईसीआई बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एम के शर्मा, चंदा गोचर या दीपक मित्तल? तो दोस्तों आईसीआई बैंक के जो नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं वो बने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये दोस्तों एम के शर्मा, जिनका 30 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनकी जगह लेंगे। और दोस्तों आखिरी सवाल हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। जापान की निम्नलिखित में से दो बीमारियों पर ध्यान दें, मिनमिनाटा और इटाइटाई। इस बीमारी को फैलने की क्या दो वजह हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पारा और कैडमियम। इनके कारण ये जापान में जो है मिनमिनाटा और इटाइटाई बीमारियाँ फैलती है। निश्चित रूप से आपको आज का शो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, तभी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।